बनाएंगे भिंडी भरवा, जो घर पर आप आसानी से बना सकते हैं, और यह सूखे मसाले से बन के तैयार होता है। एकदम अच्छा सी रेसिपी है जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, हम आधा किलो भिंडी लिए थे। इसको हम धो लेंगे साफ पानी में, और धो कर इसे कपड़े में रख कर अच्छे से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, ताकि इसमें एक भी पानी ना रहे, सूखा रहे। अब इसको हमें काटना है, किनारे का पार्ट हमें काट कर निकाल देना है, और बीच में हमें एक चीरा लगाना है। देखिए, मैं चीरा लगा दी है, और खोल के देख भी लेना है ताकि इसमें कीड़ा ना रहे। अगर ये बड़ा पीस है तो भिंडी, तो इसमें हम एक दो टुकड़ा कर लेना है, और सारे भिंडी को हमें काट कर इसे चीरा लगा कर देख लेना है, ताकि भिंडी में कीड़े ना रहे। ज़्यादातर भिंडी में कीड़ा ही रहता है, ज़्यादा बारिश का सीजन भी है, जल्दी कीड़ा पड़ जाते हैं अंदर में। अब देखिए, सारे भिंडी को हमें काट ले हैं, इसको अच्छे से रख देंगे एक किनारे, और मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम छोटी कटोरी धनिया लिए थे, और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिए थे, और आधा चम्मच जीरा पाउडर लिए थे। इसके बाद एक कटोरी, छोटी कटोरी गरम मसाला लिए थे, और हल्दी पाउडर लिए थे। इसके बाद आधा चम्मच हम आमचूर पाउडर ले लेंगे, और यहाँ पर हम हींग डाल रहे हैं, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ दो हरी मिर्च लिए थे, उसको डाल देंगे, और कूट कर लहसुन लिए, 2 किलो का लिया, उसको कूट कर डाल देंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक थोड़ा डाल देंगे, और धनिया का पत्ती डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से मिल जाए, मोइन हो जाए। अब इसको देखिए, हम मिला रहे हैं इसको। अब अगर सूखा रहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि ये अच्छा सा मसाला मिल जाए एक में, और मिलकर अगर यह सूखा सूखा रहेगा और भिंडी में भरेंगे तो निकल से भी सकता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा गीला कर देंगे, तो ये अच्छे से मसाला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा मसाला बन के अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा और मिला लेंगे। देखिए, मसाला बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हम भिंडी की तरफ चलते हैं। भिंडी को ले लेंगे, और जो बीच में चीरा लगाए थे उसमें भर लेंगे, सारे सारे मसाले में ऐसे ही भर लेना है। देखिए, कितनी आसान रेसिपी, आप घर पर जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप खाते नहीं बिंदु भिंडी, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो जरूर आपको पसंद आएगा। इसको हम गांव में कलौजी भी कहते हैं, भिंडी का कलौजी। देखिए, सारे भिंडी को हमें ऐसे ही भर लेना है मसाले में को। देखिए, एक एक हम भर लिए हैं सारे भिंडी में मसाला, आपको दिखा देती हूँ पास में लाकर। देखिए, थोड़ा सा मसाला और रह गया, इसको भी हम भर लेंगे। सारे के सारे भिंडी को भर लिए हम। अब हम इसको थोड़ा तलेंगे। इसके लिए गैस पर कढ़ाई रख दी, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए सरसों का तेल, और उसमें थोड़ा सा हम मेथी डाल देंगे तड़का के लिए, और इसके बाद सारे जो भर के भिंडी हम रखे थे वह डाल देंगे, और इसको हमें अच्छे से चला कर मिला देना है, ताकि सारे के सारे भिंडी में जो तेल है वह मिल जाए, अच्छे से लग जाए। अब इसको थोड़ा सा हमें फैला लेना है, ताकि भिंडी जो क्रिस्पी से नीचे से क्रिस्पी से बना, अब इसको हमें ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाना है। देखिए, फिर से हमें ढक्कन हटा देना है, और फिर से हम चला लेंगे इसको, ताकि नीचे से जले ना। हमें गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है, ताकि ये जल्दी से जले ना। हमें क्रिस्पी थोड़ा देरी लगेगा, बाकी धीरे धीमी आँच पर बनाएंगे तो एकदम अच्छा बन के तैयार होता है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी के साथ खा सकते हैं। दोपहर में लंच में भी खा सकते हैं आप खाना के साथ। देखिए, अब हमारी भिंडी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एकदम देखिए, आप देख रहे हैं, खुद ही देखिए, इसका चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब इसको हमें, देखिए, हमारी भिंडी भून चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए और भून लेना है, ताकि अच्छे से दोनों तरफ से भून जाए, कच्चा ना रहे। अब इसको हमें चला लेना। देखिए, हमारा भिंडी भरवा बन के तैयार हो चुका। अब इसको हमें निकाल लेना है, सारे भिंडी भरवा को। देखिए, निकाल लिए, आप जरूर बनाकर वैसे ही खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक।